हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम गुप्ता एंड गुप्ता सिविल इंजीनियरिंग सर्वेइंग के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 7 है। अगर आप पार्ट 6 तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑफसेट सन। ऑफसेट क्या होता है? तो ऑफसेट जो होता है वह किसी भी चेन लाइन के बाएँ या दाहिने किसी वस्तु से जो दूरी होता है उसी को ऑफसेट बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ लेटर मेजरमेंट मेड विथ रिस्पेक्ट टू मेन सर्वे लाइन, यही इसका करेक्ट आंसर है कि ऑफसेट जो होता है वह लेटरल मेजरमेंट होता है किसी भी मेन सर्वे लाइन के रिस्पेक्ट में। तो ऑप्शन आप जो है यहाँ पे फिगर भी देख सकते हैं, दो टाइप का ऑफसेट है, परपेंडिकुलर ऑफसेट और ओब्लिक ऑफसेट। 15 मीटर से कम का ऑफसेट जो होता है उसे शॉर्ट ऑफसेट और 15 से ज़्यादा जो होता है उसे लॉन्ग ऑफसेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ फोर बियरिंग ऑफ ए लाइन इज एस साउथ 49 डिग्री 52 मिनट ईस्ट द बैक बियरिंग ऑफ लाइन। यहाँ पे जो है बियरिंग क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में दिया हुआ है, तो क्यूबिक सिस्टम में जो होता है फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होता है, सिर्फ डायरेक्शन जो है अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे जो है ऑप्शन डी करेक्ट है, चूँकि साउथ नॉर्थ हो गया और ईस्ट वेस्ट हो गया तो और न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड एस्टिमेट बेस्ट द एरिया ऑफ एन इरेगुलर और कर्व बाउंड्री। यहाँ पे जो मेथड दिया हुआ है इसमें से सबसे अच्छे कौन सा मेथड है जिसके द्वारा हम कोई भी इरेगुलर या कोई कर्व बाउंड्री है उसका एरिया को हम एस्टिमेट कर सकते हैं। तो हम जो है सिम्पसन मेथड के द्वारा जो है आसानी से किसी भी इरेगुलर या कर्व एरिया का बाउंड्री को ज्ञात कर सकते हैं। सिम्पसन रूल में क्या कहता है कि सिम्पसन रूल बराबर होता है 1/3 इंटू कॉमन डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्डिनेट इंटू फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 2 इंटू ऑड ऑर्डिनेट प्लस 4 इंटू इवन ऑर्डिनेट। ये कैलकुलेट करने के बाद जो आता है वही सिम्पसन रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फाइंड द आरएल ऑफ ए बिल्डिंग स्टॉप रीडिंग वेयर टेकन फ्रॉम ए लेवलिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट द रीडिंग वेयर 1.05 मीटर सेटअप पार्टिकुलरली विथ स्टाप ऑन बेंच मार्क 2.3 मीटर विथ स्टाप बिलो द रूफ सरफेस। यहाँ पे जो है स्टाप जो है रूफ सरफेस से बिलो हेल्ड किया गया है, इसलिए आर एल जो होगा रूफ स्लैब का हुआ आर एल ऑफ बेंच मार्क प्लस आर एल ऑफ बैक साइड प्लस फोर साइड ऑन रूफ होगा। तो ये सबको एड करने के बाद जो आता है उसका वैल्यू जो आता है वह 138.5 मीटर आता है। यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया हुआ है 138.5, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेलेक्स बार इज यूज टू मेजर। पैरेलेक्स बार जो होता है उसका यूज कहाँ पे किया जाता है? तो पैरेलेक्स बार जो है स्टीरियो फोटोग्राफी में नेचुरल या मैन मेड फीचर के हाइट को अंतर को ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। तो पैरेलेक्स बार जनरली जो है यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ पैरेलेक्स डिफरेंस, तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे कि पैरेलेक्स बार का यूज जो है वह पैरेलेक्स डिफरेंस को ज्ञात करने में किया जाता है। आप जो है यहाँ पे पैरेलेक्स बार का इमेज भी देख सकते हैं कि इस टाइप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ ए ब्रिज प्रपोज टू बी बिल्ट अक्रॉस ए वाइड रिवर द सर्वेइंग मेथड ऑफ चूज वुड बी। कहता है कि एक ब्रिज हमको बनाना है तो उसका जो है लेंथ ज्ञात करना है तो उस रिवर के अक्रॉस बनाना है तो किस सर्वेइंग मेथड का हम चूज करेंगे। तो अगर हमको ब्रिज बनाने के लिए जो है ई एंगुलर मेथड का जनरली हम लोग यूज करते हैं, यह जो है मेनली हिली और अंडुलेटेड एरिया में भी किया जाता है और इसमें जो है लेंथ ऑफ कर्व लाइन
और ब्रिज हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, लोकेशन ऑफ ब्रिज को भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन ए लेवल सरफेस। एक लेवल सरफेस को सबसे अच्छा डिफाइन कौन कर रहा है? तो लेवल सरफेस जो होता है वह अर्थ के स्पाइरल सरफेस का पैरेलल लाइन होता है, और ग्रेविटी फोर्स जो होता है वह अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो क्योंकि लेवल लाइन अर्थ के स्पाइरल सरफेस परपेंडिकुलर है और ग्रेविटी फोर्स जो है अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर है, इसलिए लेवल लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया हुआ है, कर्व सरफेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एट एवरी पॉइंट, ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगुलेशन द बेस्ट शेप ऑफ द ट्रायंगल वुड बी। ट्रायंगुलेशन में जो है सबसे बेस्ट शेप किसको माना जाता है? तो वेल कंडीशन ट्रायंगल में जो होता है मिनिमम एंगल जो होना चाहिए वो 30 डिग्री और मैक्सिमम 120 डिग्री होना चाहिए। अगर इल कंडीशन है तो उसमें 30 से कम और 120 से ज़्यादा अगर है तो इल कंडीशन ट्रायंगल होगा, और आइडियल है तो 60-60 होगा। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल दिया हुआ है, आईसो स्केल्स विच टू बेस एंगल ऑफ 56 डिग्री 40 मिनट, ये जो है करेक्ट आंसर है। क्योंकि एंगुलर मेजरमेंट अगर में कम एरर चाहिए तो लेंथ ऑफ ट्रायंगल पर कम प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंबाइंड करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 1400 मीटर इज। कंबाइंड करेक्शन यहाँ पे पूछा गया है, तो कंबाइंड करेक्शन बराबर जो होता है वह 0.0673d² होता है। d जो है किलोमीटर में, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 0.132 मीटर। यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया हुआ है 0.132 मीटर, वही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल मेजरिंग हॉरिजेंटल एंगल बाय द मेथड ऑफ रिपीटेशन विथ ए थ्रेडेड लाइट रीडिंग आर टेकन ऑन बोथ द वर्नियर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी eliminated by reading both the vernier। यहाँ पे कह रहा है कि जब हम horizontal angle को repetition method के द्वारा measure करते हैं और इसमें जो है दोनों vernier से हम reading लेते हैं, तो इसमें जो है कौन सा error को जो है दोनों vernier के द्वारा जो है eliminate कर सकते हैं? तो यहाँ पे जो है एरर ड्यू टू इसेंट्रिसिटी ऑफ सेंटर जो होता है इसको हम दोनों वर्नियर के द्वारा एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए क्वाड ऑफ 60 मीटर द मिड ऑर्डिनेट फॉर ए सर्कुलर कर्व ऑफ 50 मीटर रेडियस विल बी। एक चाप जो है 60 मीटर का है, उसका जो है मिड और एक सर्कुलर कर्व जिसका रेडियस 50 मीटर है, उसका मिड ऑर्डिनेट क्या होगा? तो मिड ऑर्डिनेट बराबर होता है आर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एल बाई टू का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आता है वह 10 मीटर आता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्रॉस ट्रेवर्स द सम ऑफ साउथ लेटीट्यूड एक्सीड द सम ऑफ नॉर्थ लेटीट्यूड एंड द सम ऑफ ईस्ट डिपार्चर एक्सीड द सम ऑफ वेस्ट डिपार्चर, द क्लोजिंग लाइन विल लाई इन द। कहता है कि एक क्रॉस ट्रेवर्स में जो होता है वह साउथ लेटीट्यूड जो है नॉर्थ से ज़्यादा है और ईस्ट जो है वह वेस्ट से ज़्यादा है, तो जो एक्सीड कर रहा है, तो चूंकि साउथ जो है वह नॉर्थ से ज़्यादा है तो इसका क्लोजिंग इरर जो होगा वह साउथ वेस्ट में होगा, और क्लोजिंग इरर के अपोजिट में उसका डायरेक्शन होता है, इसलिए नॉर्थ वेस्ट उसका डायरेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रू लेंथ ऑफ ए लाइन इज नन टू बी
200 meter when this is measured with 20 meter tape, the length is 200.8 meter. The correct length of 20 meter tape is, यहाँ पे जो है एक टू लाइन का जो है लेंथ दिया हुआ है 200 मीटर है और एक्यूरेट चेन लेंथ है, तो हमको करेक्ट लेंथ ऑफ लाइन निकालना है। तो ये करेक्ट लेंथ ऑफ लाइन बराबर होता है एल डैश बाय एल इंटू मेजर्ड लेंथ। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आता है 19.92 आता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मेरेडियन इज एस्टेब्लिश एट ईच ट्रेवर्स स्टेशन, द डायरेक्शन ऑफ द लाइन इज डिटरमाइन विथ, यहाँ पे जो विथ रेफरेंस टू द मैग्नेटिक मेरेडियन, दिस मेथड ऑफ ट्रेवर्सिंग इज कॉल्ड, कहता है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरेडियन जो है वह प्रत्येक स्टेशन पे जो है एस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो चूंकि ये जो है प्रत्येक स्टेशन पे इस्टेब्लिश किया जा रहा है यहाँ पे, इसलिए जो है हम लूज नीडल मेथड का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलियोग्राफ इज ए टाइप ऑफ, हेलियोग्राफ क्या होता है? तो हेलियोग्राफ ऑप्शन ए में दिया हुआ इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर रिकॉर्डिंग द मोमेंट, ऑप्शन बी में इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर कंटूरिंग एन एरिया, ऑप्शन सी में इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस, डी में सन सिग्नल यूज इन ट्रायंगुलेशन वर्क। यही इसका करेक्ट है। हेलियोग्राफ जो है एक टाइप होता है सन सिग्नल का, जिसमें ट्रायंगुलेशन वर्क में जो है सन सिग्नल का यूज किया जाता है। आप जो है यहाँ पे हेलियोग्राफ का जो है पिक देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए सर्कुल सरकम पोलर स्टार डिक्लारेशन मस्ट बी, सरकम पोलर स्टार के लिए जो होता है वह डिक्लारेशन क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए है इक्वल टू कोलेटीट्यूड, ऑप्शन बी है मोर देन कोलेटीट्यूड, ऑप्शन सी है लेस देन कोलेटीट्यूड, ऑप्शन डी है एनी ऑफ द एवर। तो सरकम पोलर स्टार के लिए जो होता है डिक्लारेशन जो होना चाहिए वह कोलेटीट्यूड से ज़्यादा होना चाहिए। अब जो है यहाँ पे फिगर भी देख सकते हैं सरकम पोलर स्टार का, देनिथ का, नादिर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिमिटिंग मिनिमम डिक्लारेशन ऑफ ए सरकम पोलर स्टार हैविंग लेटीट्यूड 40 डिग्री नॉर्थ इज, कहता है कि सरकम पोलर स्टार का जो है मिनिमम लिमिटिंग डिक्लारेशन जो है 40 डिग्री नॉर्थ है। सरकम पोलर स्टार का डिक्लारेशन क्या होगा अगर लेटीट्यूड जो है 40 डिग्री नॉर्थ है? तो सरकम पोलर स्टार का डिक्लारेशन पैलेस ऑफ ऑब्जर्वेशन के कोलेटीट्यूड से हमेशा बड़ा होता है। तो लिमिटिंग मिनिमम जो होगा वह कोलेटीट्यूड बराबर होगा, तो 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री यानी 50 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए स्टार एट इट्स अपर ट्रांजिट द लोकल सिडरियल टाइम इज इक्वल टू, एक स्टार के लिए जो होता है वह लोकल सिडरियल टाइम किसके बराबर होगा अगर यह अपर ट्रांजिट में है? तो यह जो होगा वह आर ए ऑफ स्टार के बराबर होगा, क्योंकि जो लोकल सिडरियल टाइम जो होता है वह आर ए ऑफ स्टार प्लस वेस्टर्ली आवर एंगल ऑफ स्टार होता है। तो जब स्टार जो है अपर ट्रांजिट में होता है तो वेस्टर्ली आवर जो होता है जीरो होता है, इसलिए आर ए ऑफ स्टार के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट इनकरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग हाइट एच, द फोकल लेंथ एफ, एयर बेस बी एंड द फोटोग्राफिक बेस बी। यहाँ पे करेक्ट रिलेशनशिप जो है फॉलोइंग हाइट में, फोकल लेंथ में, एयर बेस में और फोटोग्राफिक बेस में कौन है? तो स्केल बराबर एफ बाय एच होता है, जो बराबर होगा फोटो बेस बाय
कॉरेस्पॉन्डिंग एयर बेस का तो एफ बाई एच बराबर स्मॉल बी बाई कैपिटल बी, तो कैपिटल बी बराबर जो होगा बी इंटू कैपिटल एच बाई एफ। यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया हुआ है बी बराबर स्मॉल बी एच बाई एफ, करेक्ट है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द विंड इफेक्ट इज नॉट कंसीडर ड्यूरिंग फ्लाइट प्लानिंग द रिजल्ट इज, कहता है कि फ्लाइट प्लानिंग के दौरान जो है विंड इफेक्ट को कंसीडर नहीं किया जाता है तो इसका क्या रिजल्ट होगा। तो इसका जब फ्लाइट प्लानिंग के समय जो है विंड इफेक्ट को कंसीडर नहीं किया जाता है तो इसके कारण ड्रिफ्ट का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ड्रिफ्ट जो होता है यह जो है गैप क्रिएट कर सकता है, और एक्सेसिव ड्रिफ्ट अगर 35 डिग्री से ज़्यादा तो ये जो है काफ़ी घातक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्टिसेज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ट्रायंगल वुड इंक्लूड, एस्ट्रोनॉमिकल ट्रायंगल का जो होता है वर्टिसेज उसमें कौन कौन सम्मिलित होता है, तो उसमें जो होता है जेनिथ होता है, पोल होता है, हेवनली बॉडी होता है। आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कलर किया हुआ एरिया है यही जो है एस्ट्रोनॉमिकल ट्रायंगल है, इसमें जो है जेनिथ आता है, पोल आता है और कोई भी हेवनली बॉडी है तो वो जो है इसमें आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टिल्ट डिस्प्लेसमेंट इन एन एरियल फोटोग्राफ इज रेडियल टू, टिल्ट डिस्प्लेसमेंट जो होता है एरियल फोटोग्राफ में वह क्या होता है कि एरियल फोटोग्राफ में टिल्ट डिस्प्लेसमेंट जो होता है वह आइसो सेंटर पॉइंट से रेडियल होता है। यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया हुआ है आइसो सेंट्रल पॉइंट, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है कि टिल्ट डिस्प्लेसमेंट जो होता है एरियल फोटोग्राफ में वह आइसो सेंटर पॉइंट से रेडियल होता है। आप जो है यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रॉपिकल ईयर टी वाई एंड साइडियल ईयर एस वाई इज, तो साइडियल ईयर जो होता है वह ट्रॉपिकल ईयर से 20 मिनट ज़्यादा होता है, तो साइडियल ईयर यानी एस वाई जो होगा वह टी वाई से बड़ा होगा। यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया हुआ है इसे ट्रॉपिकल ईयर बराबर होता है 365.242 मीन सोलर डे और साइडियल ईयर बराबर होता है 365.256 मीन सोलर ईयर। शॉर्ट में समझिए तो साइडियल ईयर जो होता है वो ट्रॉपिकल ईयर से 20 मिनट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड गिव एक्यूरेट रिजल्ट इन डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर्स मेरिडियन, यहाँ पे जो है कौन सा मेथड जो है वह एक्यूरेट है ऑब्जर्वर्स मेरिडियन के डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए। तो ऑब्जर्वर्स मेरिडियन को ही जो है टेरेस्ट्रियल मेरिडियन भी कहा जाता है, और ये जो होता है ग्रेट सर्किल प्लस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से होके गुजरता है। तो सर यहाँ पे जो है ऑप्शन ए में दिया हुआ ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्कमपोलर स्टार ऑन द सेम वर्टिकल्स, इसी के द्वारा जो है हम एक्यूरेट रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं ऑब्जर्वर्स मेरिडियन के डायरेक्शन को पता करने में, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट है। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना है, अगर वीडियो पसंद आवे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे।